अगर आप नोट 6 प्रो या फिर नोट 5 प्रो लेने का सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं अर्षद गोपाल। तो जैसे कि आपको पता है, नोट 6 प्रो अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वही स्नैपड्रैगन 636 है जो कि नोट 5 प्रो में था। तो काफ़ी लोग का ये सोच रहे कि क्या हमको नोट 6 प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले फ़ोन लेने से पहले एक बात ध्यान में रखिए, उतना कोई अपग्रेड नहीं है। जो नोट 5 प्रो में फीचर है लगभग वही फीचर है। आपको इसमें सिर्फ तीन नई चीज़ मिलेंगी। पहला तो नॉच, नॉच भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है कंपेयर टू अदर मोबाइल, क्योंकि नॉच एकदम छोटा रहता है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ओके। और जहाँ तक बात करें सेकंड चीज़ की, तो इसमें आपको फ्रंट में दो कैमरा मिलेगा। आपको डुअल कैमरा में काफ़ी अच्छा बुके या फिर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा। बाकी इसका कैमरा है वो सेम ही है, थोड़ा सा अपग्रेड है। लेकिन जैसे कि अगर आप नोट 5 प्रो लेने वाले, अगर आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोन नहीं लिए, क्योंकि अभी भी नोट 5 प्रो काफ़ी बिक रहा है, तो आप नोट 6 प्रो लीजिए, क्योंकि उसमें अपग्रेड है और प्राइस भी सेम। करते हैं नेक्स्ट में, अगर आपके पास नोट 5 प्रो है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कुछ अपग्रेड करिए उससे करके, क्योंकि दोनों फ़ोन लगभग सेम, बस आपका कैमरा का ही डिफरेंस है। आप बोल रहे कि नोट 6 प्रो में आपको ज़्यादा अच्छा बुके मोड देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपको शौक का सेल्फी लेने का या फिर फ्रंट के कैमरे से फोटोज़ क्लिक करने का, तो आपके पास काफ़ी सारे ऐसे थर्ड पार्टी भी ऐप होंगे जैसे कि रेट्रिका, V612, ये सब में आपको बुके मोड और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि पहले से कैमरा ऐप में नहीं रहते। तो एक हिसाब से इतना ये वर्थ टू बाय नहीं है कि आप अपग्रेड करें अपने नोट 5 प्रो को नोट 6 प्रो से। अगर आपके दोनों में से लेने का सोच रहे हैं कोई फ़ोन, तो आप नोट 6 प्रो लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। अगर आपके पास नोट 5 प्रो है तो आप अपग्रेड मत करिए। फ़ोन में चेंज ये है कि इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, 6.36 इंच हो गया। पहले जो नोट 5 प्रो में था वो था 5.99 इंच का, ओके, सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है और वही नॉच। अगर आपके इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बस यार ये था वीडियो, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम अर्षद गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।